हनुमान इस धरती पर अब तक जितने भी लोग हुए, चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो, एकमात्र करेक्टर हैं जो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुए। मतलब लोग उनसे भी बड़े बड़े काम कर गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पता लगा कि करने के पहले कई बार असफल हुए। जैसे कृष्ण को ले लीजिए, कृष्ण कई बार असफल भी हुए हैं, लेकिन हनुमान एक बार भी असफल नहीं हुए हैं। बजवा दिया बजरंग वाला ने, बजवा दिया अंजनी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट मोचन पवन पुत्र और भगवान शिव के रुद्र अवतार का जन्मोत्सव है आज। वैसे तो हनुमान जी भगवान शिव के 11वां अवतार है, पर आज हनुमान जी से जुड़े कुछ तथ्य आपको बताने जा रही हैं, जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हमारे संकट को हरने वाले, बल बुद्धि विद्या देने वाले पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती साल में दो बार मनाई जाती है। साल में दो बार क्यों मनाते हैं हनुमान जयंती? हनुमान जी के जन्म को लेकर दो धार्मिक मान्यताएं हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर स्वाति नक्षत्र में हुआ था। इस दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। वही चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाने वाली हनुमान जयंती, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बचपन में जब हनुमान जी को भूख लगी तो वो सूर्य देव को फल जानकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिस कारण हनुमान जी मूर्छित हो गए। जिसके बाद ब्रह्मा अन्य देवता के साथ वायुदेव के पास जाते हैं और हनुमान जी को दूसरा जीवन प्रदान करते हैं। इसके अलावा सभी देवता उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। इसी दिन हनुमान जी को दूसरा जीवन मिला था। ये घटना चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि की थी। तब से इस तिथि पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस बार हनुमान जयंती पर ग्रहों का जो योग है वो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार हनुमान जयंती पर चित्रा नक्षत्र और वज्र योग है, इसलिए ये हनुमान जयंती संकट मोचक और मंगलकारी रहने वाली है।